जिंदगी का हर काम एक सिंगल मदर के लिए कोई टास्क से कम नहीं। तो मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ ज्योति जोशी और आज की वीडियो में आप देखिए कि मैंने एक घंटे में कैसे मैनेज करके अपने बच्चों को स्कूल पहुँचाया और मैं अपने ऑफिस आई। तो कीप इन टच गाइस, वॉच माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट। अगर आप फर्स्ट है, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को देखिए। और ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं एक मदर के लिए, एक सिंगल मदर के लिए, वो आप ज़रूर देखिए, ठीक है? ओके, पिन टच गाइस। आज मैं लेट उठी, पता नहीं टाइम पर ऑफिस पहुंच पाऊंगी कि नहीं। 8 बजे निकलना है, बच्चों का स्कूल भी है, पता नहीं नाश्ता क्या बनाऊंगी। मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी जो मेरे लिए सुपर फास्ट है और मुझे 8 बजे तक यहाँ से निकलना है। मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, रोटी, फ्राई राइस। घर पूरा उथल फुथल करके रखा हुआ है मेरे बच्चों ने, अब इसको भी ठीक करना है। भगवान, मैं 8 बजे तक निकल पाऊँगी कि नहीं। मेरे बच्चों का टिफ़िन रेडी है, मैंने इनके लिए बना दिया है फ्राई राइस, ऊपर से मैंने सॉस डाल दिया है और एप्पल काट के डाला है। तो दे आर वेरी हैप्पी कि मम्मी ने आज फ्राई राइस डाल दिया, जो मेरे लिए शॉर्टकट खाना है। मेरा लंच बॉक्स तो तैयार है, लौकी की सब्जी, रोटी एंड बुनिया। बच्चे जब लेट करें ना तो ऐसा करना पड़ता है, देखिए ये 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 देखिए, बच्चे जब लेट करना पड़ता है, लेट करते ना तो मुझे ऐसा करना पड़ता है। क्या बताऊँ मैं तो सच्ची में, पर सारा जल्दी करो। ये है हालत। सिंगल मदर के लिए लाइफ बहुत टफ होता है, देख लीजिए ये आज के मेरे वीडियो में। ये देखो मेरा स्कूल ड्रेस, आज इसने फर्स्ट टाइम स्कूल ड्रेस लगाया तो उसको अच्छा लग रहा है, बहुत ही। सी इज़ वेरी एक्साइटेड, कितने दिन से स्कूल ड्रेस में जा रही थी, आज स्कूल ड्रेस लगाया तो उसको मज़ा आ रहा है। तो देखो सारा काम खत्म, 8 भी बज गया और हम निकल रहे हैं। थोड़ी देर में मौसी भी आ जाएगी और अपना काम शुरू कर लेगी। हो गया मार्क्स, मार्क्स मार्क्स ले लो। मैंने लिया। हाँ मैंने ले लिया, सब कुछ ले लिया। सब लोग निकल गए हैं और टोटो पे है, और मैं तो जा रही हूँ स्कूल छोड़ने के लिए। निकल चुकी हूँ अपने बच्चों को ड्रॉप करके, तो मैं जा रही हूँ चल के क्योंकि मेरे पास है 1 घंटा। अगर मैं अभी ये वैन या ऑटो ले लूँ तो मेरे जल्दी ऑफिस पहुँच जाऊँगा, कुछ हद से ज़्यादा जल्दी। तो वॉकिंग करते वक्त मेरा हेल्थ इशू भी सही रहेगा, है ना। पहुँच चुकी हूँ अपना ऑफिस और मैं बहुत जल्दी पहुँच चुकी हूँ। एक्चुअली हुआ ऐसे कि मैं आ रही थी रास्ते पर, तो फिर वहाँ पर मिला मेरे को अपना ऑफिस का कॉलिग, तो बोला मैम मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, चलो सोने पे सुहागा। एंट्री अपने ऑफिस में और ये लग गया मेरा अटेंडेंस। वेलकम डार्लिंग। ओ सुने या ना सुने, मैंने अपना फॉर्मेलिटी निभा दिया उसको वेलकम बोल के। तो ये है मेरा ऑफिस, तो मैं ये है अपना पांडे जी। पांडे क्या कर रहा है, कचौड़ी नहीं लाया क्या आज तू? क्या हुआ तू, सेट क्यों है? ओ चल विल बी टॉक, तेरे साथ मैं बात करती हूँ। ये है मेरा ऑफिस, ये है मेरा गैजेट जिससे मैं अपना रोजी रोटी कमाती हूँ, इसको प्रणाम करना ज़रूरी है। गणपति बाप्पा मोरया।